हमारे साथ प्रिंस ही राजपूत जी, कैसे सर? चाय कैसी लग रही है आपको? चाय हमारे भारत माता की चाय की है तो अच्छी जी हो रहा है। नहीं, कौन सा चौराहा है और डिप्टी आज कहाँ लगा आपका? चौराहा डिप्टी पांडेपुर चौराहा है। पांडेपुर चौराहा नहीं है, ये है अपना तारामंडल। तारामंडल तो आज आपका डिप्टी यहाँ लगा हुआ है? हाँ, क्योंकि हीरोइन पूरा रास्ता जाम कर दी है। अच्छा, परमिशन लिया कि नहीं आज शूटिंग का? परमिशन के कर रही है अब तो परमिशन लेके अच्छे। हर 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 आज भारत माता की जय के लिए हम लोग गोरखपुर में उपस्थित हैं, क्या कुछ कहेंगे फिल्म के बारे में? क्या बोल रहे हैं? भारत माता की जय के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे, कब तक शूटिंग चलेगी यहाँ? जी यहाँ पे चलेगी शूटिंग अभी 35 दिन कंटिन्यू, अभी 2 दिन हुआ है, 37 डे का यहाँ पे वो है। जैसा वो वायर प्लीज आप टाइटल से ही फिल्म बहुत बड़ी लग रही है, किस कैनवास पर ये शूट हो रही है? किस कैनवास पर शूट हो रही है? बहुत बड़े कैनवास पर शूट हो रही है, इस बारे में कुछ बताएंगे? हमारा कॉन्सेप्ट ही बड़ा है, अपना टाइटल ही मेरा बड़ा है, भारत माता की जय। इससे बड़ा टाइटल तो दुनिया में कुछ बना ही नहीं है। ये फिल्म ना हिंदी में बनी है, ना भोजपुरी में, ना मलयालम में, ना साउथ में, ना कन्नड़ में, पहली बार भोजपुरी में हम लोग माता की। बाहुबली के नाम से लोग आपको पुकारते हैं, कैसा लगता है? बाहुबली वो तो पुकारेंगे सीधी सी बात, ये हमारे पब्लिक का आप लोग का आशीर्वाद है। और कौन कौन से कलाकार इससे जुड़े हैं जरा बताएंगे? इसमें मैं हूँ एज ए हीरो, हमारी को एक्ट्रेस महेश पंडित जी है, सुशील सिंह जी है, अमित शुक्ला जी है, उमेश सिंह है, विजय त्रिपाठी है, संजय वर्मा है, सीपी भट्ट है, अनु अरोड़ा है, संजय पांडे है, भोजपुरी के सारे लोग है, सारे विलन है, सारे फिल्म के डायरेक्टर सुजीत जी हैं, काफ़ी फिल्म उनके साथ आपने किया है जी, कैसा हमेशा उनके साथ करने का मन करता है? बिल्कुल, सुजीत जी के बारे में बोलूंगा तो सुजीत जी 2016 से लेकर 2021 तक सारी सुपर हिट फिल्में दिया है, जो सत्या, वांटेड, धड़कन, ग्रेट फाइटर, भोजपुरिया राजा, हमारी अभी हाल ही में हिट फिल्म चंद्र सिम्हा, उनके साथ मैंने अभी ओमकारा किया जो रिलीजिंग पे, अभी भारत माता की जय कर रहा था, हमारे भोजपुरी के रोहित शेट्टी है, कौन भी आपको इतनी बड़ी बड़ी जितनी सुपर हिट फिल्में सारे उन्होंने दिया, जैसे रातिया बुद्धा के, छलका था जवनिया, लुलिया का मांगे ले, जितना गाने सब भैया का फिल्म का हिट है, तो संभवतः उन्होंने सारा हिट फिल्में दिया है, तो ये भी फिल्म मेरा हिट ही हो। दर्शक कमेंट करते हैं हमेशा पायस जी के साथ आप फिल्म करते हैं, कभी अमरपाली दुबे के साथ नहीं करते हैं? नहीं, अमरपाली जी के साथ मैंने 2 फिल्में किया है, बागी बैलेंस ना हमारा विदाई थी, विदाई थी, 2 मैंने फिल्में किया, ऐसा नहीं पायस जी से क्या है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमको और पायस जी को साइन करते हैं, केमिस्ट्री अच्छी है, एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, बड़ी आर्टिस्ट है, आज हिंदी के कलर्स की सीरियल कर रही है बालाजी का। मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो, सुन रहे हो? मोबाइल बंद करो। अरे तो भैया है लाल सीरियल तो दबोना, उधर दबोना यार, कैमरे मत आओ आप लोग। कौन फिल्म शूटिंग चल रहा है सर? जय हिंद भारत माता की। अभी है ना ये चौबे जी हैं, ये ऑलरेडी है, आप यहाँ आने के बाद पूरे अच्छा यहाँ यहाँ पहुँची सुबह यही उतरना है, यही उतरना है, यहाँ से ले लो, यहाँ उतर क्या सब भीड़ कहाँ लगा हुए थे? अरे फिर देखी ना जो पलड़ा वाली देखी ना, बिना परमिशन के भेजेंगे ना उधर से, तो खींच के ले बोले यहीं से अगर आगे नहीं है। अच्छा ऑलरेडी उतर चुके हैं सब, कुछ नहीं फिल्म में आएंगे ना भैया? अभी नहीं, देखते रहिए, क्या हो रहा है,
सब लोग उधर देखो, सारे लोग उधर देखो, कोई नंबर चले जाइए बोलूंगा ठीक है। देखो आप हो जाएगा पा रहे भाई, हो गया यही रुकना चाहते, क्यों रहा आप हो जाएगा फिर उनका मीटिंग पॉइंट वही है क्या? ये आए रोके क्या हुआ तुम्हें ये सर सर इसमें तो क्या जो लेके जाना कीमर लेके जाओ दबाओ कीमर लेके जा डाल दो लगा उसमें टीमर भैया भाई यही बात ना चेंज करेगा लगाएगा गया भाई इधर मत देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ सब उधर सब उधर देखो इधर कौन लगेगा इधर मत देखिए उधर देखिए ना हेलो सर मेकअप बोला भैया गलती हो गई रेडी सर रेडी एक्शन है क्या बाबू भैया का पासिंग हो गया जय ये कहिए जय जल जल जय जेम जय 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 अरे तीन चार को भजो साथ में मैं हूं ना देखिए संजय जी आप बहुत अच्छा हूँ। आपके साथ हैं अशोक जी, अमरीश जी हैं, लालू पंडित जी हैं, आपके शूटिंग पर आए हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो मेरी शूटिंग पे आप आए, मेरे ख्याल से भैया सेकंड टाइम आए हैं और आप फर्स्ट टाइम आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो घर और अभी हम लोग फिल्म अभी सबसे पहले इस फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा, इसका टाइटल अभी फाइनल नहीं है, इसको जे आर प्रोडक्शन हाउस जिन्होंने फिलहाल सबसे पहले बागी फिल्म मैंने बनाई थी जिसमें खेसारी जी थे, उसके बाद इन्होंने बनाई है गोवर्धन जिस डायरेक्टर में हूँ, कंप्लीट है रिलीज पे और उसमें हीरो दिनेश जी निरौआ जी हैं और हीरोइन है मेघा सिंह। अब इसके बाद हम लोग जे आर प्रोडक्शन की प्रोडक्शन नंबर 3 स्टार्ट किए हैं, टाइटल अभी फाइनल नहीं है। इस फिल्म का यही लोकेशन है, हीरो का घर है और हम लोग लगभग 90s के ज़माने में जाके फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और इसमें हीरो हैं निरौआ जी, दिनेश जी माननीय सांसद जी जो अब सांसद हो गए, और इसमें हीरोइन है आम्रपाली दुबे जी और काजल राघव। अशोक जी कुछ बधाई देंगे सर को? सर को बहुत बहुत बधाई है, शुक्रिया अदा करते हैं इनके जगह पे यहाँ पर आए, बहुत अच्छा वेलकम मिला है हमको, सारे लोगों की प्यार मिला है, बधाई है उनको। तो इनको कुछ गिफ्ट में नया फिल्म मिल सकता है? गिफ्ट में कोई नई फिल्म मिल सकती है इनको? गिफ्ट में तो कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे, प्रोडक्शन 3, 4, 5 अभी देखो। अच्छा सर कुछ कहेंगे हमारे प्रोड्यूसर के बारे में? मैं सबसे पहले पहली बार मिला हूँ, देख के तो आप हीरो लग रहे हैं लेकिन आप फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, बस यही बोलूँगा कि आप भी मस्त फिल्म बनाइए, अच्छी फिल्म बनाइए, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सर ये जो फिल्म है हीरोइन कौन है जरा अभी पर्दाफाश कर दीजिए, क्या बोले फिल्म में हीरोइन कौन है इस फिल्म में? हाँ इस फिल्म में आम्रपाली जी और काजल राघवन। अच्छा और कोई अदर आर्टिस्ट के अलावा? संजय पांडे जी हैं, प्रेम दुबे हैं, किरण यादव जी हैं और भी बहुत लोग हैं। फिल्म का म्यूजिक ओम झा कर रहे हैं, फिल्म के राइटर हैं अरविंद तिवारी जी और DOP जिनके साथ मैंने दिनेश जी। चुनाव के बाद देखा जाए तो क्षेत्र में हमेशा शूटिंग कर रहे हैं, इस पर कुछ कहेंगे?
दिनेश जी के सांसद बनने के बाद मेरे ख्याल से ये पहली शूटिंग है उनकी। और दिनेश जी का सबसे अच्छी बात यह है कि दिनेश जी दो अभिनय कर रहे हैं, एक तो फिल्म का किरदार भी निभा रहे हैं और अपना सांसद के लिए जो जनता का दरबार जो यहाँ पे लगाते हैं और सारे लोग की समस्याओं का जो हल कर रहे हैं, शूटिंग से जो समय मिलता है उनको एक सीन से दूसरा सीन लगाने के वक्त बीच में जो समय होता है या ब्रेक में खाना नहीं खाते हैं लेकिन उन लोगों की समस्याओं का हल करते हैं। राहुल राजा पंखा खींचा था लगातार हवा लगातार तू अकेल मत जा, हम आदमी लगाओ इधर खड़ा यही में देखिए बैठ।